हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी सेबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में। यहाँ बात कर रहे हैं जेआईबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग का, क्वेश्चन सेट नंबर 101 है। पहला सवाल देखिए, बोलते हैं कस्टमर केम टू ए बैंक ब्रांच एंड ई फॉरगेट ए पैकेट कंटेनिंग सम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पॉकेट कंटेनिंग सम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर विच ही इंटेंडेड टू राइज अ लोन विच He proposes to get sanctioned next week. The relationship between bank and the party is that of, बोलते हैं कस्टमर यहाँ पे बैंक में आया और वो संजोग से भूल जाता है, अपना फॉरगेट कर जाता है जो पैकेट है जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखा हुआ रहता है। तो बोलता है जिसके लिए वो आया, मतलब जिस पर्पज़ के लिए आया था कि लोन लेने के लिए, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखेगा उसके बदले लोन लेगा। तो यहाँ जो पर्पज़ होता है कि अगर उसका लोन सेंक्शन हो जाता है नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पर रिलेशनशिप क्या होगा बैंक और पार्टी का। एक ऑप्शन है, ए ऑप्शन है एजेंट एंड प्रिंसिपल, बी ऑप्शन है क्रेडिटर एंड डेबिटर, सी ऑप्शन है ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, बी और डी ऑप्शन है बेली एंड बैलर। सही ऑप्शन आ जाएगा सी, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, क्योंकि यहाँ पे क्या है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखने के बाद आपको लोन मिलना है, सिर्फ ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू है, ग्रुप इंश्योरेंस इज ए प्लान ऑफ इंश्योरेंस विच प्रोवाइड्स लाइफ कवर टू ए नंबर ऑफ पर्सन अंडर ए सिंगल पॉलिसी कॉल्ड डैश पॉलिसी। बोलते हैं कि जहाँ पे ग्रुप इंश्योरेंस आप करते हैं किसी भी प्लान के तहत इंश्योरेंस में, जहाँ की प्रोवाइड करता है लाइफ कवर, कितने नंबर ऑफ पर्सन को करेगा सिंगल पॉलिसी के तहत में, जिसको कि हम क्या कहेंगे उस तरह की पॉलिसी को। ए ऑप्शन है मास्टर पॉलिसी, बी ऑप्शन है की मेन पॉलिसी, सी ऑप्शन है लॉस प्रोटेक्शन पॉलिसी, डी ऑप्शन है अम्बेर रीमा फाइट्स। सही ऑप्शन आ जाएगा ए, मास्टर पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर थ्री है, बैंकिंग ए कंपनी गिव्स एन अंडरटेकिंग टू द बैंक डेट सर्टेन एसेट्स बिलोंग टू द कंपनी एंड इट विल नॉट डिस्पोज ऑफ द एसेट्स और क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट्स विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द बैंक, इट इज़ नॉन एज। बोलते हैं बैंक यहाँ पे एक अंडरटेकिंग लिख के देता है, एक कंपनी यहाँ पे कोई भी कंपनी जो अंडरटेकिंग लिख के देता है बैंक को कि वो यहाँ पे सर्टेन एसेट्स उसके पास है किसी कंपनी का और वो डिस्पोज नहीं करेगा एसेट्स को, नहीं वो क्रिएट करेगा चार्ज उस एसेट्स को जब तक कि परमिशन हमें नहीं मिलता है बैंक से, इस तरह की चीज़ को हम क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है प्लेस, बी ऑप्शन है जनरल लीन, सी ऑप्शन है नो लीन और नेगेटिव लीन, डी ऑप्शन है पार्टिकुलर लीन। सही ऑप्शन आ जाएगा सी, नो लीन और नेगेटिव लीन। क्वेश्चन नंबर फोर है, बैंकर्स लीन इज नॉट अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। बोलते हैं बैंकर का लीन किस फॉलोइंग सिचुएशन में अवेलेबल नहीं होता है। ए ऑप्शन है सिक्योरिटीज हैव बीन हैंडेड ओवर बाय द कस्टमर्स फॉर सेफ कस्टडी, बी ऑप्शन है डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द कस्टमर फॉर स्पेसिफिक पर्पज, सी ऑप्शन है द लोन हैज नॉट बिकम ड्यू फॉर द पेमेंट इज येट, डी ऑप्शन है सिक्योरिटीज आर लेफ्ट बाय द कस्टमर विद द बैंक बाय मिस्टेक्स। ए ऑप्शन है हो जाएगा ए बी एंड डी ओनली, बी ऑप्शन है बी सी एंड डी ओनली, सी ऑप्शन है ए बी एंड सी ओनली, डी ऑप्शन है ए टू डी ऑल। सही ऑप्शन है डी, ए टू डी ऑल। क्वेश्चन नंबर फाइव इज द इंटरनेशनली बिटवीन इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर इन केस ऑफ फॉरफिटिंग इज कॉल्ड। बोलते इंटरनेशनली अगर कोई इम्पोर्टर है और एक्सपोर्टर है और अगर एक केस संबंध रखता है फॉरफिटिंग के साथ, उसे हम क्या कहेंगे। तो बोलता है ए ऑप्शन है फैक्टर, बी ऑप्शन है फॉरफेटर, सी ऑप्शन द इम्पोर्टर, डी ऑप्शन द एक्सपोर्टर। सही ऑप्शन है बी, फॉरफेटर। फिर है क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ए पावर ऑफ अटॉर्नी। इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट फीचर नहीं होता है पावर ऑफ अटॉर्नी का। ए ऑप्शन इट इज जनरली एग्जीक्यूटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ए नोटरी पब्लिक, बी ऑप्शन इट इज रजिस्टर्ड, इट कैन बी रजिस्टर्ड इफ डिजायर्ड विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, सी ऑप्शन इट रिक्वायर्स टू बी स्टैम्प्ड एज पर द स्टेट प्रिस्क्राइब्ड स्टैम्प ड्यूटी, डी ऑप्शन है इट कैन बी जनरल और स्पेसिफिक। सही ऑप्शन आ जाएगा बी, इट कैन बी रजिस्टर्ड इफ डिजायर्ड विद द रजिस्टर और रजिस्टर ऑफ कंपनीज। क्वेश्चन नंबर सेवन है, मिस्टर अजय हैज़ बीन अपॉइंटेड एन एजेंट बाय द एजेंट बाय एन इम्पोर्टर मिस्टर शांति प्रकाश टू हैंडल द गुड्स एट पोर्ट एंड डिस्पोज ऑफ द सेम विद इन द प्राइस रेंज फिक्स बाय द मिस्टर शांति प्रकाश, बट मिस्टर अजय सेल्स द गुड्स एट अ प्राइस लोअर देन द वन इंडिकेटेड बाय द मिस्टर शांति प्रकाश। वेन दिस फैक्ट कम्स टू द नोटिस ऑफ मिस्टर शांति प्रकाश, ही कैंसल्स द सेल कॉन्ट्रैक्ट, द पेमेंट इज स्टिल टू बी रिसीव्ड। बोलता है कि मिस्टर अजय को अपॉइंट किया गया था एज एन एजेंट, जो किसी एक एजेंट के द्वारा जो कि एक इम्पोर्टर होगा, जो कि एक इम्पोर्टर के द्वारा मिस्टर शांति प्रकाश, जो कि ताकि वो हैंडल कर सके गुड्स को जो पोर्ट पे होता बंदरगाह पे, उस गुड्स को हैंडल कर सके और डिस्पोज कर सके, जो एक प्राइस रेंट फिक्स किया गया है मिस्टर शांति प्रकाश के द्वारा, बट अजय ने उसको गुड्स को सेल कर दिया मिस्टर शांति प्रकाश से भी कम के रेट में।
तो यहाँ पे क्या इफेक्ट नोटिस किया जा रहा है, जब ये बात पता चलता है मिस्टर शांति प्रकाश को, तो वो कैंसिल कर देते हैं सेल कॉन्ट्रैक्ट को, जो पेमेंट होगा स्टिल अभी भी रिसीव करना है। तो ये ऑप्शन जाएगा मिस्टर शांति प्रकाश हैज द राइट टू डू सो सिंस हिज डायरेक्शन हैज नॉट बीन कैरिड द एजेंट। बी ऑप्शन है मिस्टर शांति प्रकाश हैज द राइट टू डू सो सिंस द पेमेंट इज येट टू बी रिसीव्ड। सी ऑप्शन है मिस्टर शांति प्रकाश हैज टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द एजेंट एज ही कैन नॉट कैंसिल इट। डी ऑप्शन है मिस्टर शांति प्रकाश कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम द एजेंट। इस ई ऑप्शन है सी एंड डी अबव। तो सही ऑप्शन आ जाएगा ई सी एंड डी अबव। क्वेश्चन नंबर 8 है क्रेडिट रिस्क मे नॉट अराइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। क्रेडिट रिस्क कहाँ अराइज नहीं होता है। ए ऑप्शन है लोन फॉर द परचेज ऑफ ए हाउस। बी ऑप्शन है लोन ग्रांटेड टू अ स्टाफ मेंबर। सी ऑप्शन है लोन अलाउड अगेंस्ट डिपॉजिट ऑफ द बैंक। डी ऑप्शन है नन ऑफ द बैंक, नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन है डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9 है योर बैंक हैज रिसीव्ड ए गारंटी ऑर्डर इन द नेम ऑफ योर कस्टमर हैविंग सेविंग बैंक अकाउंट विद द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस विच अमंग दिस इज नॉट ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गारंटी ऑर्डर। बोलते हैं कि आपके ब्रांच को रिसीव हुआ गारंटी ऑर्डर। गारंटी ऑर्डर का मतलब होता है कोर्ट का ऑर्डर, ठीक है, जो कि नाम बताया हुआ है इसमें कस्टमर का सेविंग बैंक अकाउंट का। तो बोलता है कि इस केस में जो फॉलोइंग ट्रांजेक्शन है वहाँ पे कौन सा चीज़ होगा जो मैटर नहीं करता है गारंटी ऑर्डर के लिए। ए ऑप्शन है आपका एन एडवाइस रेडी फॉर डिस्पैच टू अनदर ब्रांच आफ्टर डेबिट टू द अकाउंट इन पेमेंट ऑफ चेक। बी ऑप्शन एन एडवाइस रिसीव्ड फॉर ए चेक विच वॉज सेंट इन कलेक्शन फ्रॉम अनदर ब्रांच बट नॉट क्रिएटेड टू द अकाउंट सो फार। सी ऑप्शन है ए चेक इन क्लियरिंग द अमाउंट ऑफ विच हैज़ बीन क्रिएटेड टू द अकाउंट। डी ऑप्शन है एन अमाउंट ऑफ रुपीज 4000 रिलेटिंग टू हिज वाइफ्स अकाउंट क्रिएटेड बाई मिस्टेक टू द अकाउंट ऑफ द कस्टमर। सही ऑप्शन है सी ए चेक इन क्लियरिंग द अमाउंट ऑफ विच हैज़ बीन क्रिएटेड टू द कस्टमर। क्वेश्चन नंबर 10 है ए नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट हैज़ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। बोलते जो नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट होता है उसके पास फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कॉम्बिनेशन का। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन है इट इज ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी एंड एंडोर्समेंट ओनली। बी ऑप्शन इट कैन बी क्रॉस्ड इंस्ट्रूमेंट और अनक्रॉस्ड इंस्ट्रूमेंट। सी ऑप्शन इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल एंड ट्रांसफरी गेट्स डिफेक्ट फ्री राइट्स। डी ऑप्शन इट इज देर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर्स ड्यू टू विच इट इज कॉल्ड नेगोशियबल। सही ऑप्शन है सी इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल एंड ट्रांसफरी गेट्स डिफेक्ट फ्री राइट। क्वेश्चन नंबर 11 है बिल ऑफ एक्सचेंज इज विच इज ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफिक बैंक एंड इज नॉट पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड टू द बियरर और टू द ऑर्डर इज कॉल्ड। बोलता है जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो कि ड्रॉ किया जाता है स्पेसिफिक बैंक के ऊपर और वो पेबल नहीं होगा किसी और वजह से जब डिमांड किया जाए, चाहे वो बियरर हो या ऑर्डर हो, इसको हम क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन हो इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज। बी ऑप्शन इंजेंस बिल ऑफ एक्सचेंज। सी ऑप्शन है एकोमोडेशन बिल। डी ऑप्शन है चेक। सही ऑप्शन आ जाएगा चेक। क्वेश्चन नंबर 12 है थर्ड पिलर ऑफ बेसल टू रिलेट्स टू। थर्ड पिलर जो बेसल टू का होता है किसके साथ संबंध करता है, रिलेट करता है। ए ऑप्शन है मार्केट डिसिप्लिन। बी ऑप्शन सुपरवाइजरी। सी ऑप्शन है मिनिमम कैपिटल। डी ऑप्शन है आपका रिस्क मैनेजमेंट। सही ऑप्शन है ए मार्केट डिसिप्लिन। क्वेश्चन नंबर 13 है बैंक बी गेट्स ए चेक फ्रॉम इट्स कस्टमर एक्स इन द नेम ऑफ द पे द वर्ड मिस्टर पे टू मिस्टर एक्स अकाउंट नंबर 3252001008134049 बैंक ए इज ए स्टार्ट इट डज नॉट बियर टू पैरेलल लाइंस ऑन इट्स फेस। ठीक है, तो बोलता है कि बैंक बी जो है उसको चेक मिला है किसी कस्टमर एक्स के द्वारा। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है पे का, जिसपे लिखा हुआ है कि वर्ड पे करना मिस्टर एक्स के अकाउंट नंबर पे 3252001008134049 बैंक यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे चूंकि यहाँ पे बियर नहीं करता दो पैरेलल लाइन, तो अब क्या होगा। ए ऑप्शन है कि द चेक कैन बी कलेक्टेड बाय द बैंक बी फॉर दिस कस्टमर। बी ऑप्शन है चेक इज एन अनक्रॉस चेक एंड इट्स पेमेंट कैन बी ऑप्टेंड बाय मिस्टर एक्स अक्रॉस द काउंटर फ्रॉम द ड्रॉई बैंक। सी ऑप्शन है इट इज स्पेसिफिकली क्रॉस चेक एंड इट्स पेमेंट कैन बी ऑप्टेंड बाय द बैंक ए ओनली। डी ऑप्शन है इफ इट इज अ चेक क्रॉस इन द फेवर ऑफ टू बैंक हैंस नन ऑफ द बैंक्स कैन ऑप्टेन इट्स पेमेंट। सही ऑप्शन है सी इट इज स्पेशली क्रॉस चेक एंड इट्स पेमेंट कैन बी ऑप्टेन बाई बैंक ए ओनली। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द ऑफ ए नॉट नेगोशियबल क्रॉस चेक। बोले इनमें से कौन सा चीज़ जो है फीचर नहीं होता नॉट नेगोशियबल क्रॉस चेक का। ए ऑप्शन इट इज डिफाइंड एज पर सेक्शन 130 ऑफ द NIA। बी ऑप्शन इट्स पे इज होल्डर ओनली। सी ऑप्शन इट कैन बी इंडोर्स्ड
एंड ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, सही ऑप्शन हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर ए पर्सन टू बी कॉल्ड होल्डर इन ड्यू कोर्स। इनमें से कौन सा चीज़ इसेंशियल नहीं है, ज़रूरत नहीं किसी भी इंसान को होल्डर इन ड्यू कोर्स करने के लिए। ये ऑप्शन है, ई शुड बी इन पोजिशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बी ऑप्शन है, पोजिशन मस्ट हैव टेकन फॉर ए वैल्यूएबल कंसिडरेशन। सी ऑप्शन है, पोजिशन मस्ट हैव बीन ऑब्टेंड इन गुड फेथ विदाउट एनी नोटिस ऑफ डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ ट्रांसफेरर। डी ऑप्शन, इट मस्ट बी एन ऑर्डर चेक ओनली। सही ऑप्शन आ जाएगा डी, इट मस्ट बी एन ऑर्डर चेक ओनली। तो यहाँ पे आप हमारा जेआईबी का पूरा वीडियो कोर्स का पैकेज आप ले सकते हैं। वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा, केस स्टडी का वीडियो, न्यूमेरिकल का वीडियो होगा, 2000 का क्वेश्चन बैंक होगा, सुपर नोट्स होगा, क्विक रिविजन नोट नोट होगा और मॉक टेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे दो तरह का जेआईबी का कोर्सेज, एक है पीपीटी वीडियो कोर्स जिसमें कि जेआईबी का प्रिंसिपल सब कर सकते हैं, लीगल करते हैं, उसके दाम में 600 रुपये। जेआईबी का अकाउंटिंग करेंगे उसका 800 रुपये। जेआईबी का कॉम्बो पे करेंगे उसका 1500 रुपये। जेआईबी का अगर फेस टू फेस वीडियो कोर्स करते हैं, इसमें जेआईबी का प्रिंसिपल से लीगल करेंगे उसका दाम 1200 रुपये। जेआईबी का अकाउंटिंग करेंगे उसका 1500 रुपये। जेआईबी का कॉम्बो पे करेंगे उसका 3000 रुपये। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो गया 4x9685127। दूसरा नंबर है 7829754696। आप वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibsavvystudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seedsena123@gmail.com।